Very good morning, all of you, bete. So services provided by the retailers to the consumers is the topic which we will be covering today. तो इसमें से हमने कुछ points discuss कर लिए थे previous lecture में, but still मैं दोबारा से cover कर देती हूँ. So you listen carefully. Retailer जो कि एक important link है wholesaler और consumer के बीच में. होलसेलर से वो गुड्स खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज में और कंज्यूमर को स्मॉलर क्वांटिटीज में बेच देता है. ठीक है, बाय डूइंग सो ही प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. नंबर वन, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ द रिटेलर टू द कंज्यूमर्स, दैट रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स produced by the different manufacturers is maintained by him. ठीक है, so जो consumer है बेटे, पहली बात तो वो variety मांगता है, दूसरी बात वो promptness मांगता है कि जब उसको good चाहिए हो, जौन से producer का good चाहिए हो, वो market में जाए, उसको wait ना करनी पड़े, और वो जिस retailer के पास जाए उसके पास जो उसको चाहिए वो available हो और वो उसी time पे खरीद के वापस आ जाए. ठीक है, सो रिटेलर इंश्योर्स दिस. क्या इंश्योर करता है? कि बायर को गुड्स की रेगुलर अवेलेबिलिटी इंश्योर करे. ठीक है, और डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के गुड्स उसके पास हो ताकि कंज्यूमर अपनी चॉइस कर सके. ठीक है, सो इन शॉर्ट इट्स द इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ द रिटेलर टू मेंटेन द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस गुड्स produced by the different manufacturers, so which enables the buyer to buy the goods as and when needed, right? So next is new products information. So retailer जो है, जब आप किसी retailer के पास खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक उसका अच्छा display होता है goods का, एक corner बना होता है जिसमें उसने लिखा होता है new arrivals. ठीक है, और यू नो रेगुलर इंटरवल्स पे सेल्समैन खड़े होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है वो आपको देने को तैयार होते हैं, आपको असिस्ट करते हैं ताकि आप अपनी चॉइस अच्छे से कर सकें. सो दिस इज द अनदर सर्विस विच द रिटेलर प्रोवाइड्स. ही अरेंजेस इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड ही मेक्स पर्सनल एफर्ट्स टू टेल यू अबाउट द न्यू अराइवल्स, टू टेल यू अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो विच सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. देखो बेटे, जब भी एक कंज्यूमर होता है ना, अगर तो वो एफएमसीजी खरीदता है, एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टूथपेस्ट, स्टेशनरी, ये सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं. ठीक है, सोप्स, टॉयलेटरी, ग्रोसरी, तो ये स्मॉल अमाउंट के होते हैं. इसमें कंज्यूमर को पता ही होता है कि उसने कौन सी चीज खरीदनी है, तो इसमें वो ज्यादा टाइम या एफर्ट वेस्ट नहीं करता. लेकिन अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदता है, जिनको हम शॉपिंग गुड्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड एंड फॉर विच यू हैव टू पे अ बिट लार्जर सम ऑफ मनी, जैसे आपको टीवी खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, एसी खरीदना है घर के लिए, तो आप कुछ एफर्ट्स करते हैं, आप दो तीन शॉप्स पे जाते हैं और जहां पे आपको लगता है आपको अच्छी डील मिल रही है, या आपको कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप वहां से खरीदते हैं. ठीक है, तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन गुड्स के लिए, तो इसीलिए रिटेलर आपको हेल्प करता है, आपको सारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बताता है, आपको बताता है इसका प्राइस ये है, इसकी वारंटी इतनी है, ताकि आप अपना डिसीजन आराम से ले सकें. क्लियर? नेक्स्ट इज बेटे कन्वीनियंस इन बाइंग. एज ए कंज्यूमर यू कैन गो टू द रिटेलर एट एनी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बाय एनी यू नो क्वांटिटी ऑफ से एनी गुड, विच मीन्स कि आपको रिटेलर एक कन्वीनियंस ऑफर करता है. खुद तो वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेता है होलसेलर से, लेकिन आपको स्मॉल क्वांटिटी में बेचने को भी तैयार है. आप किसी से एक छोटी सी 5 रुपए की नोटबुक भी लेने जाओगे ना रिटेलर से, वो आपको रिफ्यूज नहीं करेगा.
आप रात के 10 बजे भी जाओगे अगर उसकी शॉप खुली है, वो क्यों खोल के बैठा है, वो आपको केटर करने के लिए, ठीक है, आपको अटेंड करने के लिए ही वो बैठा है। तो 10 बजे भी आप 5 रुपए की भी चीज ले रहे जाओगे तब भी वो दे देगा। सो दिस ऑफर्स ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स इन बाइंग प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली जो रिटेलर्स होते हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में खुले होते हैं और लॉन्ग आवर्स तक खुले रहते हैं, तो आपको कोई भी चीज किसी भी टाइम लेनी होती है, किसी भी क्वांटिटी में लेनी होती है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। सो दिस कन्वीनियंस इज नॉट विद द होलसेलर, इट इज ओनली विद द रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, वाइड सिलेक्शन। सो व्हाट डू रिटेलर्स डू, दे कीप अ स्टॉक ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। उनके पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्योंकि उसने तो होलसेलर को कहना है। लेट अस से एक फुटवेयर क्या रिटेलर है, वो क्या कहता है, वो होलसेलर से कांटेक्ट करता है कि मेरे को प्यूमा के, मेरे को नाइकी के, मेरे को स्केचर्स के, मेरे को वुडलैंड के, है ना, मेरे को बाटा के, ये सारे शूज मेरे को, ये वाले डिजाइन और इतने इतने साइज के और इतने इतने पेयर्स चाहिए, ठीक है। होलसेलर उसको उसी टाइम पे भेज देता है। सो होलसेलर से जब वो रिटेलर के पास आ गए, अब रिटेलर के पास वैरायटी आ गई है ना, उसने वैरायटी आ गई है, तो फिर वो कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि आज का कंज्यूमर बहुत ही चूजी है, उसको यू नो वाइड वैरायटी चाहिए टू चूज हिज प्रोडक्ट्स फ्रॉम, राइट। सो दिस इज द अनदर फंक्शन व्हिच रिटेलर प्रोवाइड्स, ही ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। ओके, देन आफ्टर सेल्स सर्विसेज, इज एनीवन अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, एनीवन? यस अनन्या, व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस? गर्व, व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर सेल सर्विसेज? लाइक वी द प्रोडक्ट स्टॉप्स वर्किंग? नहीं समझ में आया मानसी। सर्विस प्रोवाइडेड आफ्टर द कस्टमर हैज परचेज द गुड, यस कशिश। मानसी, लाइक द प्रोडक्ट स्टॉप्स वर्किंग सो इट कैन बी सर्विस्ड। सो ओके, वेग आंसर मानसी, बट चलो आई अप्रिशिएट कि आपने रिस्पॉन्स दिया है। देर आर सम स्टूडेंट्स हुम आई एम आस्किंग एंड दे आर अनएबल टू आंसर, परहैप्स दे आर स्लीपिंग। सो यस बेटे, आफ्टर सेल सर्विस, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द कंज्यूमर आफ्टर ही हैज परचेज्ड इट। अब देयर वाज अ टाइम जब सेलर गुड बेच देता था बायर को, उसके बाद वो अपने यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ओवर है, अब इस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता था या उसको सर्विसिंग की जरूरत है या कोई भी उसको बायर को समझ नहीं आ रही इसको कैसे ऑपरेट करना है, देयर यूज टू बी अ टाइम बिफोर यू नो 1980s कि जब सेलर कहता था मेरी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गुड मैंने बायर को बेच दिया, अब जो भी हो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट नाउ देयर इज अ चेंज, क्योंकि आज के टाइम पे कंज्यूमर इज अ किंग। हम सब कुछ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम कंज्यूमर को नाराज नहीं कर सकते, एज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल एज राइट्स फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। तो इसीलिए जो आज के रिटेलर्स हैं वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब है कि आफ्टर यू नो यू हैव सोल्ड द गुड टू द कंज्यूमर, देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन प्रोवाइड, विच यू प्रोवाइड टू द कंज्यूमर फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आपने एक माइक्रोवेव खरीदा लेकिन आपको नहीं मालूम उसको यूज कैसे करना है, तो कंपनी या रिटेलर आपको एक पर्सन भेजती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, ठीक है। होम डिलीवरी इज अगेन आफ्टर सेल सर्विस। आप अपने कंज्यूमर को कहते हैं कि आप घर जाओ, हम आपका प्रोडक्ट जो है वो घर तक पहुंचा देंगे,
ठीक है, फिर कल को अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसकी सर्विसिंग के लिए, फ्री सर्विसिंग के लिए आप अपने रिपेयर पर्सन को, मैकेनिक्स को कंज्यूमर के घर तक पहुंचा देते हैं. सो आफ्टर सेल सर्विसेज टुडे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बाइंग डिसीजन. आपने एक चीज खरीदी, ठीक है, अब रिटेलर ने आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की. जब रिटेलर ने आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, तो आप नेक्स्ट टाइम उस रिटेलर से खरीदने के लिए या उस ब्रांड की चीज खरीदने के लिए दो बार सोचेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी आपको बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है रिटेलर, तो सेकेंड टाइम जब आपको वही प्रोडक्ट खरीदना होगा, आप उसको बिना सोचे समझे खरीद लेंगे. That is, you will make repeat purchase of the product. Getting my point? Not only will you make repeat purchase, you will advise others also to buy the product of the same brand or buy the same retailer, as he has provided you with very good after sales services. ठीक है, सो ये आफ्टर सेल सर्विसेज बेटे डिस्ट्रीब्यूशन की चेन की जो मिडलमैन है उनमें से होलसेलर नहीं प्रोवाइड करता. कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज. रिटेलर कई बारी अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट पर भी गुड्स दे देता है. ठीक है, स्पेशली ऐसे जैसे जनरल स्टोर्स होते हैं, आपके घर के आसपास का कोई स्टोर है, कई बार आपको पेरेंट्स कहते हैं कि बेटे वहां से जाके ये सामान ले आओ. आप कहते हो पैसे दो मम्मा, उसको कितने पैसे देने हैं? तो आपके मम्मा कहते हैं बेटे हमारा अकाउंट चल रहा है, आप वहां पे लिखवाया ना, हम एट द एंड ऑफ द मंथ उसको पेमेंट कर देंगे. ठीक है, तो ये कन्वीनियंस और जो हो जाती है कंज्यूमर को, एक तो उसको एक डिलेड पेमेंट का चांस मिल जाता है कि उसने फर्स्ट को लिया और उसको 30th को देना पड़ा बिल. ठीक है, तो उसको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई. ठीक है, दूसरा इससे उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है. जब आप पैसों से चीज खरीदते हो, कई बार आपके पास पैसे नहीं होते, आप कहते हो अच्छा चलो छोड़ो क्या लेनी ये चीज, लेकिन कई बार जब आप क्रेडिट पे गुड्स लेते हो तो आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप यू टेंड टू बाय गुड्स. चलो अभी थोड़ी ना पेमेंट करनी है, एट द एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करनी है, तब कर देंगे, तो अभी तो चीज खरीद लें. ठीक है, सो विच मीन्स कि आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है जब आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है. ये क्रेडिट फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, ओके, सो दीज वर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर. नाउ बेटे देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ ट्रेड. कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इंटरनल ट्रेड में यूज करते हैं. So because we are studying business studies, your commerce students, tomorrow some of you might be having your own business. आपके parents का business है, internal trade का, trader है, shop है किसी चीज की. ठीक है, या आपको कल को अपना business setup करना है और आप trading का business setup करना चाहते हैं. और अगर आप internal trade यानी trade within the country itself करना चाहते हो, तो there are certain terms जो आपको पता होनी चाहिए. First is cash on delivery, COD. I guess everyone is aware of this. क्योंकि आजकल online shopping हर एक कोई करता है, तो उससे ये COD की term जो है वो काफी popular हो गई है. Anyone who would tell me what is COD, Urvi? What is COD, बेटे? Cash on delivery. Raise your hand if anyone is interested to answer the question. Very simple term, bete, COD. हाँ बेटे, cash on delivery मतलब क्या? वो तो लिखा हुआ है बेटे, cash on delivery. COD means cash on delivery. So what does this term means? Cash on delivery means, okay, paying the money after the goods are delivered. When you purchase the goods. And you pay after the goods are delivered. All right. Yes. Good girls. Cash on delivery. बेटे ये वो transaction है जहां पर payment जो है goods and services की delivery के time पर की जाती है. ठीक है, अब generally आप इसको relate करते हैं online transactions के साथ.
तो मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ। लेट अस से आपने ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन की, आपने कोई गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया और आपने उस जहां वहां पर लिखा था मोड ऑफ पेमेंट, आपने मोड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी चूज किया। दिस मीन्स कि जब सेलर आपको गुड्स भेजेगा, आपने एडवांस में पेमेंट नहीं की, जैसे ही आपको वो गुड्स डिलीवर करेगा कुरियर पर्सन, आप उस टाइम पे उसको पेमेंट कर देंगे। दिस इज कैश ऑन डिलीवरी, पेइंग द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर बायर उस टाइम पे आपको पेमेंट नहीं करता है तो कुरियर पर्सन अपने गुड्स जो है वो वापस ले जाता है। ठीक है, सो इसको जनरली आजकल हम रिलेट करते हैं ऑनलाइन पे, लेकिन इसको ऑफलाइन मोड पे भी देखें, हम ट्रेडिंग हो रही है सिंपल, आपने आप डील करते हैं लेटर से, फैंस में डील करते हैं, तो आपने अपने होलसेलर को फोन किया, ठीक है, कि आपको इतने फैंस, इतनी क्वांटिटी के, ये वाली क्वालिटी के फैंस आपकी शॉप पे पहुंचा दे, और आपका जो डिसाइड हुआ मोड ऑफ पेमेंट वो सीओडी डिसाइड हुआ। सो जैसे ही वो ट्रक से आपका सामान उतरेगा और आपको वो इनवॉइस देगा, ठीक है, इनवॉइस में आप चेक करेंगे कितनी अमाउंट है, आप उस पर्सन को उतनी अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके सामान को लेके आया है आप उसको ये अमाउंट पे कर देंगे। दिस इज नोन एज कैश ऑन डिलीवरी, वेरी सिंपल। सेकेंड आते हैं फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, FOB कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब जब गुड्स शिप होते हैं तो ऑन बोर्ड कहा जाता है। बेटे गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तीन मोड से जाते हैं, एक बाय रेल, दूसरा बाय रोड और तीसरा बाय शिप। तो अगर बाय शिप जा रहे हैं तो फ्री ऑन बोर्ड, और अगर बाय रेल जा रहे हैं तो फ्री ऑन रेल। तो जब आपका FOB कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये है, लेट अस से आपका और मेरा FOB कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मैंने आपसे कुछ गुड्स मंगवाए, जैसे मैंने कहा, मैंने आपको बोला कि फैंस, मुझे 100 फैन चाहिए, आप होलसेलर हो फैन के या मैन्युफैक्चरर हो, आपसे मैंने 100 फैंस मंगवाए। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ FOB कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि डिलीवरी तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, that will be borne by you, seller, जो बेच रहा है ना गुड्स, वो एक्सपेंसेस बियर करेगा अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ कैरियर। कैरियर मतलब गुड्स शिप से भेजे जा रहे हैं या रेल से भेजे जा रहे हैं या ट्रक से भेजे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने गुड्स जब डिलीवर कर दोगे, लेट अस से शिप में आपने लोड कर दिए, वहां तक के एक्सपेंसेस आप बियर करोगे, उसके बाद के जो एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी बॉर्न बाय द बायर। ठीक है, तो फ्री ऑन बोर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ कैरियर आर टू बी बॉर्न बाय द seller, right? Free on board means contract between seller and buyer in which all the expenses up to the point of delivery to the carrier, carrier tak ke jo expenses hain that will be borne by the seller. Next term of trade CIF, cost, insurance and freight. CIF, CIF का मतलब है बेटे ये प्राइस है गुड्स का, विच इंक्लूड्स नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो द इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस। CIF, ठीक है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस जो हैं उन वो सब, ये वो प्राइस है गुड्स का जिसमें कॉस्ट भी आ रही है, सिर्फ कॉस्ट नहीं, हम इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट डाल के बता रहे हैं बायर को कि ये हमारा प्राइस है गुड्स का।
अब ये जो प्राइस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, गुड्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस इंक्लूडेड है और फ्रेट, फ्रेट कहां तक का, ऑन द गुड्स अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, जैसे कि मैं पंजाब में हूं और मुझे गुड्स आ रहे हैं जो मुंबई से आ रहे हैं, तो मुंबई से पंजाब तक जब गुड्स पहुंचेंगे तब तक का जो फ्रेट भाड़ा जो पड़ेगा, ठीक है, प्लस जो इंश्योरेंस होगी और प्लस जो गुड्स होंगे, लेट अस से मेरा जो बिल बना CIF डाल के या CIF करके मेरा बना 2 लाख रुपए, इट इंक्लूड्स द टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस। मतलब इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं देना, इंश्योरेंस और फ्रेट डाल के मेरे को 2 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। आप कोई भी अपना बिल निकाल के देखो बेटे, उसमें नीचे ना E&OE लिखा होता है। E&OE means errors and omissions accepted. मतलब ये एक टर्म है जो हम ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, जिसमें हम ये लिखना चाहते हैं कि कोई भी हमसे गलती हो गई है बेटे, तो कोई हमने चीज नहीं लिखी है, इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द टर्म विच इज यूज इन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू से दैट मिस्टेक्स एंड थिंग्स दैट हैव बीन फॉरगॉटन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब अगर मैंने कोई बिल काट के दिया, मैंने उसमें EOE लिख दिया, तो इसका मतलब कल को मुझे याद आया कि मैंने इसमें ये चीज नहीं डाली है, तो आई कैन ऑलवेज से कि भी ये रह गई थी, तो इसमें अब मैं ये आपसे चार्ज कर रहा हूँ। तो मेरे को बायर ये नहीं कह सकता कि ये कैसे हो गया, वो तो फाइनल बिल था। जब मैंने EOE लिख दिया, इसका मतलब कि कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई है या कोई भी चीज मेरे से रह गई है, इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। ठीक है, एरर एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। सो बेटे, एनी डाउट टिल नाउ? दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ ट्रेड। Anyone having any doubt, you can ask. All right. So let's move further. Types of retailing trade. हमें पता चल गया retailer कौन होता है, जो कि wholesaler से goods खरीद के और आप लोगों को यानी ultimate consumer की needs को cater करता है। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि retailers, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटे अगर आप एक आइसक्रीम, आपके घर के बाहर एक आइसक्रीम वाला आया है, इवन गोलगप्पे वाला आया है, वो भी रिटेलर है। सब्जी बेचने के लिए आया है, वो भी रिटेलर है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरी लेने गए, वो भी रिटेलर है। आप किसी चेन स्टोर में गए, आपने किसी ब्रांड के आउटलेट पे गए, वो भी रिटेलर है। इसका मतलब रिटेलर्स दे आर ऑफ मेनी टाइप्स। टू अंडरस्टैंड देम, इट इज यू नो ऑलवेज, किसी भी चीज को समझने के लिए जब वो उसके बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं किसी बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो वी विल ऑल्सो क्लासीफाई रिटेलर्स इन टू 2 कैटेगरीज। वी विल क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव अ फिक्स्ड शॉप और नॉट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कोई रिटेलर की कोई फिक्स्ड शॉप है या नहीं है, हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 1, इटिनरेंट रिटेलर एंड अनदर इज द फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस टर्म इटिनरेंट? आई एम श्योर आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो इटिनरेंट का मतलब यही है कि जिनके पास फिक्स्ड शॉप नहीं होती है, वो रिटेलर जिनके पास फिक्स्ड शॉप नहीं है। ठीक है, और सेकंड इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर, सो दोज हु हैव अ फिक्स्ड शॉप टू ऑपरेट फ्रॉम। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट इटिनरेंट एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इटिनरेंट रिटेलर्स, itinerant retailers are the traders who do not have a fixed shop to operate from, right?
ये वो रिटेलर्स हैं, वो ट्रेडर्स हैं जिनके पास फिक्स्ड शॉप नहीं है टू ऑपरेट. दोज हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम. सो दे कीप ऑन विद देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द कस्टमर्स. सो वो अपना सामान लेके एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने कस्टमर्स को सर्च करने के लिए. ठीक है, सो कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? आपने देखा कभी इटिनरेंट रिटेलर? एनीवन, हैव यू एवर सीन एनी इटिनरेंट रिटेलर? यस क्रिश, have you ever seen an itinerant retailer? Vendors, harshika, vendor means seller. जब आप टर्म वेंडर यूज करते हो ना, वेंडर इज द सेलर. वेंडर मींस नथिंग एल्स बट सेलर. इट डज नॉट मीन इटिनरेंट सेलर. अभी मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स दी बेटे, आप स्कूल के बाहर भेलपूरी खाते हो, वो इटिनरेंट रिटेलर है. क्या उसकी कोई फिक्स शॉप है? वो अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है? आइसक्रीम खाते हो मानसी? आई डोंट अंडरस्टैंड योर आंसर बेटे. ओके, सो इसके बारे में हम फिर बाकी का कल डिस्कस करते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे.